हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? ध्यान दीजिए, हम नया चैनल एक ठो खोले हैं। उस चैनल का नाम है एक्शन साइंस सर्किट, और एक्शन साइंस सर्किट पर आपको ट्वेल्थ की पूरा फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। और फिजिक्स पढ़ाने से पहले कुछ पिछले बात हम चर्चा कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए मैट्रिक पास करके आए होंगे, तो बच्चे को मैट्रिक की हिंदी पूछते हैं उसको पता नहीं होता है, मेट्रिकुलेशन पूछते हैं तो पता नहीं होता है, वो समझता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले नाइन्थ और टेंथ दोनों को मिला करके हम मैट्रिक बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को पूछते हैं तो बोलते हैं सिर्फ दसवीं मैट्रिक बोलते, ऐसा नहीं है। आप नाइन्थ की बुक दीजिएगा तो नाइन्थ की बुक पर भाग वन लिखा होता है और टेंथ पर भाग टू लिखा होता है। तो नाइन्थ और टेंथ दोनों को मिला करके मैट्रिक बोलते हैं, और हिंदी में इसको प्रवेशिका या माध्यमिक कहते हैं। तो ध्यान देते हैं, देखिए मैट्रिक जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म मैट्रिक्स है। आप कोई भी कम्पिटिटिव फॉर्म भरिएगा तो उस पर देखिएगा मैट्रिक नहीं लिखा हुआ रहेगा, मैट्रिकुलेशन ही लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पर दिमाग पूरा भ्रम में पड़ जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा जो मैट्रिकुलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म मैट्रिक है, समझ गए? तो मैट्रिक और मैट्रिकुलेशन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसका शॉर्ट फॉर्म है। समझ गए होंगे सब आदमी? ये बतिया समझ आएगा नहीं, आप बोलिए, समझ गए सब आदमी? अब ध्यान देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए नाइन्थ और टेंथ ये पास करने के बाद सब आदमी जो है एलेवेंथ में आए होंगे। तो सीधी सी बात है, एलेवेंथ के कहावतें हैं फर्स्ट ईयर इज ए रेस्ट ईयर और ट्वेल्थ इज ए इन्वेस्ट ईयर। क्योंकि बचवा सब क्या करता है ना, जो मतलब अलेवेंथ में पूरा रेस्ट करता है, ट्वेल्थ में इन्वेस्ट करने आता है, ट्वेल्थ में अच्छा इन्वेस्ट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो अलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों को मिला करके, इस तरह आप नाइन्थ और टेंथ मिलाकर मैट्रिक बोले थे, ध्यान देना मेरे बात, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह अलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों को मिला करके आईएससी बोलते हैं। आईएससी इंग्लिश में कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, और हिंदी कतना का पूछता है ना तो बतिया समझ में नहीं आता, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को हिंदी में कहते हैं बीच का। देखिए बीच का मतलब यह है, जो जब आप आईएससी में गए ना, तो ना तो स्कूल में है ना कॉलेज में, उसके बीचे में है, बतिया समझ में आया जी, तो बीचे में है, तो वही आईएससी उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, तो हिंदी में क्या कहते हैं? बीच का। समझ गए होंगे? और ध्यान देते हैं एक बात और, ध्यान दीजिए, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ जो आप पास करके आए हैं वो जो है ना वो एक कुआं है, लेकिन अब जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में आए हैं ना, समुद्र है, इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सीधी सी बात है, एक बात हम आपको बता दें, टेंथ में कोई क्या किया होगा, फर्स्ट डिवीजन किया होगा, कोई सेकेंड डिवीजन किया होगा, कोई थर्ड डिवीजन किया होगा। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट डिवीजन जो किया होगा उसका चेहरा, ध्यान देते हैं, फर्स्ट डिवीजन जो किया होगा उसका चेहरा ऐसे होगा, पूरा मुस्कुरा रहा होगा। सेकेंड जो किया होगा बेचारा थोड़ा ऐसे करेगा, मुंह बंद रखेगा, और जो थर्ड किया होगा वो पूरे रो रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक में आप फर्स्ट कीजिए, सेकेंड कीजिए, थर्ड कीजिए, वो सब धन बाईस पसेरी है, क्योंकि आज आप जानते हैं चपरासियों बनने के लिए कम से कम ट्वेल्थ पास चाहिए। सब आप ध्यान दीजिएगा, उधर जो कि ठीक है, लेकिन आज से जो स्टडी करना शुरू कीजिएगा वो अपने घर की स्थिति को चेंज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए, और आपने जितना भी है अपने घर की स्थिति को चेंज कर लीजिएगा, समझिए बात को। इतना करने के बाद अब हम आपको ट्वेल्थ फिजिक्स की जो सिलेबस है उसकी पूरा चर्चा कर देते हैं, आपको समझ गए ना? ओके, चलिए बच्चों देख लीजिए, ट्वेल्थ फिजिक्स का जो सिलेबस है हमने आपको पूरा यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, देख लीजिए। तो ट्वेल्थ फिजिक्स जो है ना, देख लीजिए, इसके चार भाग में हम अपना तरीका से बांट लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे पार्ट है लेकिन सिर्फ चार भाग में बांटे। देखो देखने में छोटका लगता है लेकिन है बहुत बड़ा, समझ गए ना? क्योंकि बताए थे समुद्र देखने में, चलो गहराई बहुत होती है समुद्र की। ध्यान दीजिए, फिजिक्स जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला, हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और सेकेंड में है करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत, और थर्ड में है ऑप्टिक्स प्रकाश की, और फोर्थ में है मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी।
और यहाँ पर जो है फिजिक्स को एग्जाम और पैटर्न एंड मार्क्स के आधार पर जो हम भी लिख लिए हैं, तो टोटल फिजिक्स 100 अंक के हैं। देख लीजिए, टोटल फिजिक्स 100 अंक के हैं और इसको दो पार्ट में तोड़े 70 अंक और 30 अंक। ये बतिया समझ रहे हैं ना जी? तो 70 अंक हो गए आपको थ्योरेटिकल पार्ट, हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक भाग, और 30 अंक है प्रैक्टिकल पार्ट, प्रायोगिक भाग, समझ गए नहीं? 30 अंक। और ये जो थ्योरी आपको पढ़ना है ये 70 अंक है, और 70 में ही आपको इलेक्ट्रोस्टेट 8 मार्क्स के हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी 26 नंबर के हैं, ऑप्टिक्स 14 अंक के हैं, और मॉडर्न फिजिक्स आपको 22 अंक के हैं। टोटल कितना है? 70 नंबर। बात समझ गए होंगे? और ध्यान दीजिए, 70 अंक लाने के लिए आप कितना पढ़ना पड़ेगा, और 30 अंक आपको प्रैक्टिकल होंगे। जितना कॉलेज बाम गुरु जी होगा ना, बढ़िया से 200 रुपए दे करके प्रणाम उरनाम कर लीजिएगा, समझे? 30 नहीं तो 29 आपको जरूर देगा, समझ गए ना? प्रणाम 4-5 कर लीजिएगा, 29 में जरूर आपको दे देगा। ये 70 हम आपको पढ़ाएंगे पूरा साल, समझ गए ना? और पढ़ाने से पहले एक कहावत आपको बोल दो, ध्यान दीजिए, ट्रक का नाम इस बात सुने होंगे, और ट्रक में देखते होंगे 2 गो मेन चक्का 2 गो स्टेपनी चक्का होता है। ध्यान दीजिए, हम भी क्या किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या किए हैं, मेन चक्का में रखे, समझ गए ना? और ये दोनों स्टेपनी चक्का में रखे, क्योंकि जितना भवन उन होता है ना, भवन टीचर जो होता है पहले प्रकाश की पढ़ेगा, पूरा उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, पूरा हजामत बनाता है, लेकिन ये सब जो है ना महा आसान है। और ये हम इसलिए शुरू में पहले पढ़ाएंगे, जो शुरू शुरू में बच्चा के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा समझेगा, ये पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे, और उसके बाद दोनों चर्चा हम, समझ गए आपको? ध्यान दीजिए, तो ये आपकी सिलेबस था, और इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में और मैट्रिक्स इंटरमीडिएट क्या होते हैं हर एक बात बता दिए, और अगला वीडियो जो हम आपको लेंगे तो बेसिक फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, सेकेंड वीडियो हम लेंगे बेसिक फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे, और सब आदमी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आगे वीडियो जो हम देंगे वो भी सब आदमी उसको आगे फैलेंगे, समझ गए? धन्यवाद।